हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर क्लास टेन हम लोग पढ़ रहे थे और इसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट का थर्ड पार्ट क्योंकि हम लोगों ने ये देख लिया था फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट हैं क्लास मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट के मेथड ऑफ रोटेशन में पांच हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिए थे कि किस किस तरीके से प्राइमरी मार्केट में क्लास फंड्स रेज किए जाते हैं अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट की जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को बेचा या खरीदा जाता है फ्रेश या न्यू या फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज के लिए होता है प्राइमरी मार्केट सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ के लिए होता है सेकेंड

अब मैं किसी को बेचने जा रहा हूं किसी और अपने दोस्त को तो हम दोनों जिस मार्केट में मिलते हैं और ये शेयर्स का खरीद बेच का काम करते हैं इस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है फॉर कैश थ्रू हम लोग डायरेक्टली शेयर्स का सेल परचेज नहीं कर सकते हमें एक ब्रोकर के थ्रू शेयर परचेज सेल परचेज करना पड़ेगा ये रहा सेकेंडरी मार्केट

मार्केट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट बहुत इंपोर्टेंट है क्लास। सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस uh, बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सबसे पहला इकोनॉमिक पैरामीटर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन और लिक्विडिटी ध्यान से समझना क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक एक करके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टॉक मार्केट या जिसे कहते हैं क्लास स्टॉक एक्सचेंज उसके फंक्शंस क्या क्या हैं स्टॉक मार्केट यानी कि सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे एक इन्वेस्टर investor, दूसरे इन्वेस्टर से सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता है इसका सबसे पहला जो फंक्शन है वो है इकोनॉमिक बैरोमीटर अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ रियलाइबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्रीज किसी भी कंट्री के बारे में अगर तुम्हें जानना हो तो आप सीधे उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक मार्केट से उस कंट्री की हालत को जान सकते हैं आपको पूरी कंट्री को विजिट नहीं करना पड़ेगा यानी कि स्टॉक एक्सचेंज एक इकोनॉमिक मिरर की तरह काम करता है किसी कंट्री की हालत को जानना हो तो उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज की हालत से आप उस कंट्री में पता कर सकते हो कि उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है एवरी मेजर चेंज इन द कंट्रीज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइसिंग ऑफ शेयर कंट्री के अंदर कोई भी बड़ा बदलाव अगर आता है चाहे सरकार बदल जाए किसी की चाहे कोविड आ जाए चाहे, चाहे हालात चल रहे थे इससे की हो ये सारी पे है। तो ध्यान रखना जैसे पीएनबी स्कैम हो गया कोरोना वायरस का आना ये सारी चीजें शेयर्स की जो प्राइसिंग है उस पर असर डालता है स्टॉक एक्सचेंज इज एन इकोनॉमिक मिरर इट इज ऑल्सो द पल्स ऑफ इकॉनमी नब्ज है ये पल्स है किसी भी इकोनॉमी का तो इकोनॉमिक बैरोमीटर स्टॉक एक्सचेंज क्या है इकोनॉमिक बैरोमीटर है यानी कि ये ऐसा मिरर है है जो जो क्लास किसी भी कंट्री की को रिफ्लेक्ट करेगा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है वो सिक्योरिटीज की प्राइसिंग को डिसाइड करेगा डिमांड सप्लाई के फैक्टर से डिमांड ज्यादा प्राइस अप डिमांड कम प्राइस डाउन द प्राइस ऑफ शेयर्स आर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएटेड कंपनी आर वैल्यूड हाइयर एज देर इज मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज़ ध्यान रखना तो जो कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है जैसे अडानी है तो अडानी के शेयर के प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ रहे थे जिनकी वजह से क्लास मतलब थाउजेंड टाइम्स से ज्यादा रिटर्न उनको मिल रहा था क्लास जिसकी वजह से वो इंडिया में अभी नंबर फोर पे आ, इंडिया में नंबर वन पे और पूरे वर्ल्ड में नंबर फोर पे आ गए थे राइट तो जो कंपनी ऐसी ग्रोथ ओरियंटेड है जिनका ओरिएटेशन लंबा है जो आगे तरक्की करना चाहते हैं जनरली क्लास उनकी डिमांड ज्यादा होती सिक्योरिटीज की जिसकी वजह से उनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं थर्ड इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स हियर ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज़ आर ट्रेड देखो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ना हर कंपनी अपने शेयर्स को नहीं बेच सकती आके पब्लिक से पैसे लेने का काम सिर्फ लिस्टेड कंपनीज का है यानी कि जो कंपनी लिस्टेड है अच्छा लिस्टेड का मतलब क्या है लिस्टेड का मतलब अभी आप ये समझ लो कि उनका नाम एक लिस्ट में ऐड कर रखा है और लिस्ट उस लिस्ट में उन्हीं का नाम ऐड होता है जिनके पीछे बहुत सारी आ, असेट्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं काफ़ी सारी इनके एसेट्स हैं जो अच्छे से काम कर रही हैं मतलब एक पैरामीटर है उस पैरामीटर पर उतर जाते हैं जब वो लोग उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेते हैं तो उनकी लिस्टिंग हो जाती है तो भाई ये लिस्टिंग है लिस्टेड कंपनीज है तो इनके साथ आप डील कर सकते हो ये धोखाधड़ी नहीं करेंगे आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ द कंपनी स्टॉक मार्केट प्रिपेयर रूल्स रेगुल

तो पहला फंक्शन क्या इकोनॉमिक पैरामीटर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन थर्ड इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन क्योंकि क्लास हर कंपनी सेकेंडरी मार्केट में एंट्री नहीं करती सिर्फ लिस्टेड कंपनीज एंट्री करती हैं जिसकी वजह से आपका ट्रांजेक्शन सेफ रहता है आपका पैसा जो है वो नहीं डूबेगा फोर्थ है इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉक मार्केट प्रमोट्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स व्हिच लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉक मार्केट हमेशा प्रमोट करता है सेविंग्स को क्या पैसा सेव करो थोड़ा थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो मैंने पहले भी कहा था कि इकोनॉमी में म्यूचुअल फंड्स के ऐड आते हैं टी में स्टॉक मार्केट के ऐड आते हैं कि भाई ये चीज़ जो है सै कंट्रोल भी करता है कि लोग पैसा इन्वेस्ट करें लोग घर पर पैसे जोड़े नहीं इंडिया में बहुत पैसा है तो लोग घर पर ना जोड़ के अगर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होता है और इनकम से फिर इनकम जनरेट होगा भाई पैसे से ही तो पैसा बनता है मैं कमाऊंगा तभी तो खर्च करूंगा मैं खर्च करूंगा तभी तो किसी और की इनकम बनेगी तो ये कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है यानी जो सेकेंडरी आ, सेकेंडरी मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमी में इकोनॉमी की ग्रोथ को कॉन्ट्रीब्यूट करता है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट ये प्रमोट करता है कि लोग थोड़ा बहुत पैसा बचाएं और इन्वेस्ट करें ठीक है नेक्स्ट क्या है प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन स्टॉक मार्केट फ्री है इसका प्राइस किसी एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है इसका प्राइस डिमांड सप्लाई फैक्टर पर डिपेंड करता है तो ये मार्केट फ्री है कभी भी प्राइस अप एंड डाउन हो सकता है तो जब डाउन है तो आप खरीद लो आप है तो आप बेच दो सिक्योरिटीज को सस्ता है तो आप खरीद लो महंगा है तो आप बेच दो टू इंश्योर द लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर सप्लाई सिक्योरिटी द स्टॉक एक्सचेंज परमिट हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट जो है हेल्दी स्पेकुलेशन को प्रमोट करता है यानी कि ऐसा कोई स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन मतलब सट्टेबाजी स्पेकुलेशन मतलब अप एंड डाउन ऑफ प्राइस तो ये हेल्दी है मतलब किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है ये हेल्दी है क्लास इसका प्राइस अप एंड डाउन मार्केट फैक्टर की वजह से होता है मार्केट में होने वाले डिमांड सप्लाई की वजह से होता है लिक्विडिटी द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इज टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द मार्केट इन्वेस्टर कैन कन्वर्टेड देयर इन्वेस्टमेंट इजीली इनटू कैश दे कैन इजीली इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इजीली कन्वर्ट देयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अगर करते हो तो आप अपने शेयर्स को इजीली मार्केट में बेच सकते हो अपने शेयर्स को आप इजीली मार्केट से खरीद सकते हो राइट दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी अब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट अच्छा ये मुझे बताओ क्लास आपको इसके फंक्शन अच्छे से छह के छह पॉइंट लर्न हो गया इकोनॉमिक बैराीटर इसके बाद प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्श इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्ट्रीब्यू करता है क्लास स्पेकुलेशन प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन प्राइस अप एंड डाउन होता है किसी कंट्रोल में नहीं है जिसकी वजह से आप आराम से सस्ते में खरीद के महंगे में बेच सकते हो और लिक्विडिटी बट रेट कब घटेगा कब बढ़ेगा ये आपको नहीं पता ये आप मार्केट सर्वे करोगे बहुत सारी चीज़ रिसर्च करोगे एनालाइज करोगे स्टडी करोगे तभी आप जान पाओगे भी कंपनी जो है क्या होने वाला है कल को ठीक है अगला क्या है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस क्या है प्राइमरी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए सेकेंडरी मार्केट क्या है सॉरी मनी मार्केट शॉर्ट टर्म कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म प्राइमरी मार्केट जो है वो न्यू और फ्रेश सिक्योरिटीज के लिए सेकेंडरी मार्केट जो है क्लास स्टॉक एक्सचेंजेस सेकेंड हैंड सिक्योरिटी या प्रीवियसली इशू सिक्योरिटीज के लिए होता है तो so, सबसे पहला डिफरेंस है बेसिस किस बेसिस पे टाइप ऑफ सिक्योरिटी तो प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज आर सोल्ड जबकि सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड अगर मैं इशू बाई की बात करूं प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज आर इशू बाई कंपनी यहां पे सीधे कंपनी इन्वेस्टर को बेचती है लेकिन यहां एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचेगा प्राइमरी मार्केट में क्लास कंपनीज को कंपनीज इन्वेस्टर्स को शेयर इशू करती है मतलब हम सीधे कंपनी से लेते हैं लोकेशन मैंने कहा था क्लास प्राइमरी मार्केट में नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्लास सुबह नौ पंद्रह सुबह क्लास नाइन थर्टी से शाम को लगभग नौ पंद्रह से शाम को तीन तीस तक मार्केट ओपन रहता है स्टॉक मार्केट और फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन होता है एंट्री की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी एंटर कर सकती है क्लास फाइनेंस को रेज करने के लिए लेकिन सेकेंडरी मार्केट अभी कहा था क्लास लिस्टेड कंपनी ओनली लिस्टेड कंपनी एंटर करती है प्राइस की बात करें प्राइमरी मार्केट में प्राइस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सेट करेगा जबकि सेकेंडरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई कि डिमांड फॉर है जबकि में में प्राइस, जब प्राइस को सेट करेगा राइट डन <laughs> तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट हो गया हमारा नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का बीच का डिफरेंस तो सबसे पहला है पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो कैपिटल मार्केट क्या है द पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक हो गया फॉर कम बैंकिंग कंपनीज हो गया फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गया रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम पब्लिक ये सब क्लास कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं मनी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं क्लास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक पब्लिक और प्राइवेट कंपनी ओनली तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है जबकि यहाँ रिटेल इन्वेस्टर भी है फॉरन इन्वेस्टर भी है वहाँ पे फॉरन इन्वेस्टर्स नहीं है शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में रिटेल इन्वेस्टर और फॉरन इन्वेस्टर दोनों है ड्यूरेशन की बात करें तो मैंने कहा था कैपिटल मार्केट जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए होता है जो मनी मार्केट है वो क्या है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए मनी मार्केट डील किसमें करता है बच्चों शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी टू वन ईयर टू वन ईयर का पीरियड है जबकि कैपिटल मार्केट में क्या है क्लास मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर्स ये सब है मनी मार्केट में बताया था ट्रेजरी बिल्स कमर्शियल बिल कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कॉल मनी वो सब है जो आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़ रखे लिक्विडिटी की बात करें कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है तो लेस लिक्विड है ये शॉर्ट टर्म के लिए तो हाईली लिक्विड क्योंकि ये लेस लिक्विड है तो एसोसिएट मोर रिस्क ध्यान रखना कैपिटल मार्केट इक्विटी मार्केट है आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है आपको बहुत अप चला जाएगा रिटर्न बहुत ज़्यादा डाउन भी हो जाएगा बहुत फायदा बहुत नुकसान दोनों हो सकता है लेकिन यहाँ पे ये यह हाईली लिक्विड तो है क्योंकि शॉर्ट टर्म है जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन रिस्क कम है तो क्योंकि रिस्क कम है तो इसमें रिटर्न भी कम है और इसमें रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है रिक्वायरमेंट की बात करें कैपिटल मार्केट आपको कैपिटल मार्केट में आपको पैसा कब तक चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और मनी मार्केट में क्या चाहिए क्लास आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट

नेक्स्ट क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्लास शेयर्स में ट्रेड किया जाता है और देन आखिरी क्लास में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिससे क्लास क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन क्लास पूछे जाएंगे तो यहाँ तक पढ़ के आना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना कॉमेंट बताना मुझे समझ आया कि नहीं यहाँ पे अकाउंट्स और योगा का प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है आप उसको भी देख जाके देख सकते हो उसकी भी लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज चैप्टर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करा रखा है सपोर्ट करने के लिए क्लास आपको चैनल को शेयर करना है अपने सारे क्लासमेट सारे दोस्तों में जुड़े रहना हमसे तब तक के टेक केयर बाबा गॉड ब्लेस यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में